हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम रिक्की एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस. एज यू नो, टुडे इट्स संडे एंड इन द सेगमेंट ऑफ संडे आई हैव कम विथ ए गुड स्टोरी फॉर यू. तो आज भी एक कहानी लेकर आए हैं गाइस. तो आइए आज का कहानी सुनते हैं. आज की कहानी क्या है? आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक है सब्जी मार्केट, फल मार्केट, जहाँ फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह बेचे जाते हैं. तो वहाँ एक वृद्ध महिला होती है जो फ्रूट्स बेचने का काम करती है. तो उस जगह से सब लोग फल ले आते हैं. उसी में से एक आदमी होता है जो वहाँ आता है वृद्ध महिला के पास. वो बहुत वृद्ध है और उससे जो है संतरे खरीद कर ले जाता है. और वो हर 2 दिन पर आता है और संतरे खरीद कर ले जाता है. ये क्रम बराबर चलता है. और जब वो संतरे खरीदता है तो वो एक संतरे उठाता है और कहता, खाता है उसको और बोलता है कि अम्मा, ये संतरे जो है बहुत ही खट्टे हैं और अच्छे नहीं हैं, खट्टे लग रहे हैं. तो वो उससे एक संतरे फिर अपने झोली से निकालता है और उस जिसे संतरे खरीदता है उस बूढ़ी अम्मा को भी एक संतरे खिला देता है कि अगर यकीन नहीं है तो आप खा के देखो. तो वो बूढ़ी अम्मा एक संतरे लेती है और खा के देखती है. तो वो बोलती, नहीं, ये तो खट्टे नहीं हैं, ये तो बहुत मीठे संतरे हैं. फिर वो कुछ नहीं बोलता और फिर निकल जाता है. ये क्रम हर 2 दिन पर होता है. हर 2 दिन बाद वो आता है, संतरे खरीदता है और फिर खाता है उसको और बोलता है कि बूढ़ी अम्मा, ये संतरे जो हैं बहुत खट्टे हैं, नहीं तो आप भी खा के देखो. फिर वो बूढ़ी भी खाती है उसको और वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि नहीं, ये संतरे बहुत मीठे हैं. ये क्रम हमेशा होते रहता है. तो जब इस तरह की घटनाएँ बराबर होती है तो उस बूढ़ी अम्मा, जो बूढ़ी अम्मा है, उसको भी बड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी है, ये संतरे खरीदने आता है और बार बार खरीदता है और खुद खाता है और हमको भी खिला के चला जाता है. तो एक दिन क्या होता है कि उस जो वो जो जेंट्स है जो बार बार ले जाता है उससे संतरे खरीद के, एक दिन उसकी वाइफ भी साथ में आती है और वह भी संतरे खरीदने उस बूढ़ी अम्मा के पास ही जाता है और वहाँ वैसा ही होता है जैसा हर दिन करता है वो. तो इसके पीछे जो वो आदमी है उसको ये लगता है कि ये इतनी वृद्ध महिला है, ये संतरे तो बेचती है कि क्या पता ये कभी खाती भी है कि नहीं. इसलिए वो जो है एक संतरे सोचता है कि चलो, पूरा दुनिया का भला तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमसे एक इस वृद्ध महिला के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा. और वो क्या करता है कि कुछ संतरे खरीदता है और उसमें से एक संतरे उस वृद्ध महिला को खिला देता है. उनको लगता है चलो, इसी बहाने, कड़वा संतरा खट्टा है, इसी बहाने कम से कम वो एक संतरे तो खाती है. तो ये बराबर होता है. तो एक दिन क्या होता है कि जो वृद्ध अम्मा है जहाँ वो संतरे बेचती है, उसके बगल में भी एक लेडीज, एक महिला रहती है जो सब्जी बेचती है. तो वह भी इस चीज़ को बराबर देखती है कि ये शख्स हर 2 दिन पर आता है और इस महिला के साथ, वृद्ध अम्मा से जो है खरीदता है संतरे और बोलता है कड़वा है और फिर वापस मतलब चला जाता है लेकर के. तो वो महिला वृद्ध अम्मा से बोलती है कि आप उसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, वो बराबर आपके पास संतरे खरीदने आता है और कड़वा बताता है, फिर भी आप उनको कुछ नहीं बोलती हो. तो वृद्ध अम्मा बोलती है कि चलो, अरे इसको लगता है, इस आदमी को लगता है कि मैं संतरे कभी खाती नहीं हूँ, इसलिए ये हम जो है खरीदने के साथ साथ हमको भी एक संतरे खिला देता है. तो वो सब्जी वाली बोलती है कि अगर ऐसा है, सब्जी वाली चूँकि देखती है उसको हर दिन, तो कहती है कि जब आप संतरे नापती हो तो उसमें एक संतरा ज़्यादा क्यों चढ़ा देती हो, तराजू पर जो वो वेट करती है तो एक संतरा ज़्यादा दे देती है. तो वृद्ध अम्मा बोलती है, अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं नहीं खाती हूँ और वो हमको खिला देता है, तो हम भी तो उसकी मतलब एक माँ तुल्य हैं, तो इसमें गलत क्या है कि एक संतरे हम ज़्यादा ही चढ़ा देते हैं. उसको मालूमात नहीं होती है और एक संतरे वो वृद्ध महिला उसको ज़्यादा चढ़ा देती है. तो ये सिलसिला बराबर चलता है. तो गाइज, इसमें इस कहानी का जो सीख है वो ये है कि दुनिया में अच्छाई भी है, प्यार भी है, इंसानियत भी है और एक दूसरे के प्रति लिहाज भी है, आदर्श भी है. तो कहना तो ये, जैसा हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं कि सिर्फ सुनते हैं कि बुरा हो रहा है, ज़माना बदल गया, कलयुग आ गया, लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं, सिर्फ गलत ही गलत हो रहा है, तो ऐसी बातें नहीं है. इंसानियत भी जिंदा है और सब कुछ है. और अगर आप उपनिषद की बात करें तो उसमें ऐसा कहा गया है, सत्येन धारिते पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी जो है सत्य पर टिकी है, सत्येन तपते रवि, अर्थात सूर्य में जो चमक है, सूर्य में जो गर्मी है वो सत्य से है,
सत्येन वाति वायुश्च, हवा का जो प्रवाहमान हवा है यह भी सत्य से है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, अर्थात सब कुछ सत्य पर आधारित है, है ना। सत्येन धारिते पृथ्वी, द अर्थ इज सपोर्टेड बाय द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वति वायुश्च, इट इज द पावर ऑफ ट्रूथ दैट मेक द सन साइन एंड विंड ब्लो। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, द ऑल थिंग्स रेस्ट अपॉन ट्रूथ, सब कुछ सत्य पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपने जीवन शैली में अगर सिर्फ नकारात्मकता देखें, सिर्फ अपना जीवन के मतलब जो अनुभवी घटना है हम सिर्फ उसमें नेगेटिव की ही बातें करें तो हमको सब सचमुच हमको लगेगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो बुराई का ही बात कर रहे हैं। आप जो सुन जो आपको जो कान में दूसरे लोग जो आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ बुराई की ही बातें बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि सब जगह बस बुरा ही बुरा है और आपको लगता है कि सब कुछ बुरा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको लग रहा है ऐसा है नहीं। तो ये अगर ऐसा संस्कृत श्लोक है, इसका ऐसा कहा गया है उपनिषद में, तो ये गलत नहीं है, है कि सब कुछ सत्य पर डिपेंड है। धरती टिकी हुई है तो सत्य पर, अर्थात जब तक सत्य है तब तक धरती है। और आप जो ऐसा सोच रहे हैं कि गलत हो रहा है, अब जमाना बदल गया, अब ऐसा नहीं रहा, अब वैसा नहीं, ये सारा कुछ नहीं है, ये सब आपके आपके मन का जाल है, आपकी निगेटिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह प्यार मोहब्बत अमन चैन है। तो आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू।